मितेश जी कफोर जरा चेक कीजिए, आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या? जिनके पास है वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो बाय कर सकते हैं क्या? सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी, कोफोर्स में डेफिनेटली रीरेटिंग हुआ है, लेकिन आई थिंक 5650 के ऊपर ही एक ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कर कीजिए, नई पोजीशन करंट लेवल के ऊपर अलाउड नहीं है। 5650 के ऊपर ही एडवाइजेबल है कि आप पोजीशन ले, ताकि आप 6200 6300 का बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक फायदा उठा सके। तब तक ये जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग रेंज में रहेगा, 5650 ऊपर की साइड में और 5200 नीचे की साइड में। डन, तो अवॉइड कर लेते हैं फिलहाल, अभी होल्ड कर लेते हैं जिनके पास पड़ा है, और अवॉइड कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको नया लेना है। एक काम, स्टैंपिंग लगाते ही प्रोड्यूसर साहब, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की, ठीक है? अवंती फीड्स, मितेश जी ये भी आपको ही चेक करना है। अवंती फीड्स ज़रा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। अवंती फीड्स 9% के ऊपर में बाय साइड रिकमेंडेशन करूंगा। द रीजन बीइंग इज दिस कि बहुत ही लंबे अरसे के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ट्रेंड में आया है। तो अभी जो हमारा टारगेट बैठ रहा है 850-900 है। डिस्क्लेमर के तौर पे ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स के पास है और नई पोजीशन भी शायद हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन करना चाहिए। बाय के स्टैंप लगाओ अवंती फीड्स पे, और जिनके पास पुराना पड़ा वो ट्रेल करना। ये दो शेयर तो हमने मितेश जी से पता कर लिए। नेटको फार्मा एक शेयर है, नेटको फार्मा। अमोल सर एक बार जरा आप चेक करना नेटको फार्मा। प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, रेंज ब्रेकआउट पे जा रहा है, बाय बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1050-1055। पोजिशनली भी ये स्टॉक अच्छा है, अराउंड 1130-1140 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 1140 तक जा सकता है। बाय के स्टैंप लगाओ नेटको फार्मा पे भी, अमोल सर की तरफ से है ये। एक शेयर आप और लगाओ कोड्स केबल, ये अमोल जी ये भी देखो आप, कोड्स केबल CORDS के नाम से मिलेगा। कोड्स केबल बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है इस शेयर के अंदर भी। जी करेक्ट, इसमें भी वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स दोनों में ब्रेकआउट है। मुझे लगता है आज का डे लो या 230 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ब्रेकआउट कंटिन्यूशन कंटिन्यू रहेगा। फॉर्मेशन आने वाले दिनों में 270 कभी ये स्टॉक जा सकता है। या फिर ट्रेडिंग के लिए लिया हो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर ये एंट्री देने लेने का भी मौका दे रहा है, क्या करें एक्साइड इंडस्ट्रीज में? सबसे पहले तो बहुत ही बोरिंग काउंटर था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पाया है रीसेंट पास में। तो हमारा तो रुझान यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपॉर्चुनिटी, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, वो दो चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली अगर आपके पास प्रॉफिट है तो एक्साइड इंडस्ट्री में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरे सेक्टर में दूसरे स्टॉक में चले जाइएगा। क्योंकि जनरली पैटर्न ये होती है यही स्टॉक्स में कि जब इतने जोरों से स्टॉक चलता है उसके बाद बहुत ही लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन में चले जाते हैं नए ब्रेकआउट से पहले। तो हमें लगता है कि ये एग्जैक्ट और अच्छा टाइम है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। शायद यहाँ से 5-10-15% भी आगे जा सकता है, देयर इज नो डिनायल। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं कहीं और पार्क करूं तो मुझे 30-40-50% की दूसरे स्टॉक्स के अंदर विजिबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है आफ्टर द रिसेंट करेक्शन। तो डेफिनेटली एग्जैक्ट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक साइड में, यह है सर आपके लिए। अब थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ और भी स्टॉक्स देख लेते हैं। राजेश जी ट्रेंड पर एक बार नजर डालिए, एक स्पाइक आया है, थोड़ी बाइंग नजर आ रही है ट्रेंड में, क्या करें, कोई ट्रेड लेके जा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है स्टॉक, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक माइनर करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस से अपने वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन किया है, हमें लगता है ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बाय ऑन डिप्स का ही स्टॉक है। जब भी आपको कोई भी छोटी मोटी डिप वॉलेटिलिटी के चलते मिले तो ये स्टॉक पे आप अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए कंटिन्यूटी में हो सकता है ये स्टॉक 5200 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिखे। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 4900 के आसपास, ट्रेडिंग टारगेट या शॉर्ट टर्म के टारगेट 5100 से लेके 5200 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 5000 तक के लेवल्स आ सकते हैं ट्रेंड में, इस पर आप नजर रखिए। अब वक्त है BTST ST BT ट्रेड्स जानने का, और शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे अमोल जी से। अमोल जी बताइए कोई BTST ट्रेड या STBT आपके रडार पर? जी मैं LTIM के साथ जानना चाहूंगा, ब्रेकआउट कंटिन्यू ब्रेकआउट है
और डिसेंट फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये मंडे को ओपनिंग भी अच्छा दे सकता है। 4920 का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 5050 और 51 तक के टारगेट्स आने वाले हफ्ते में आ सकते हैं। पर स्टॉक का नाम वापस से रिपीट करेंगे, एसबीआई लाइफ बोला आपने? नहीं, एलटीआईएम, एलटीआई, एलटीआई माइंडट्री, एलटीआई, ओके, जी जी एलटीआई माइंडट्री, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। बीटीएसटी ट्रेड के लिए टारगेट्स आपको बता दिए गए। राजेश जी, आपकी नज़र कहाँ है ट्रेड लेने के लिए? तो देखिए, एक स्टॉक पसंद आ रहा है कैश सेगमेंट से, वो है मेदांता। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा और जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है मेदांता को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट ये स्टॉक में हमें लगता है 1300-1325 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1200 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो अभी हमें पसंद आ रहा है वो है सीमेंट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है एसीसी एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एसीसी में पिछले 2-3 दिनों से देखे तो एक अच्छा मोमेंटम वापस प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसीसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 2550 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2465 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है जो बाय किया जा सकता है वो एफएमसीजी स्पेस से, और उसमें आईटीसी को यहाँ पे और फोकस में रखना चाहिए। आईटीसी में हमें लगता है कि एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। अपसाइड के टारगेट हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 445 तक 450 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 434 के आसपास। आईटीसी, एसीसी में तेजी करके चलिए, और मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ, इसमें भी आप बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। मितेश जी, आप कहां पर मौके देख रहे हैं बीटीएसटी ट्रेड के लिए? दो स्टॉक है बीटीएसटी ट्रेड के लिए। पहला है कैन बैंक। कैन बैंक में 118-117 के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो 119.50 यहाँ पे फ्यूचर चल रहा है जून का, यहाँ पे खरीदने की सलाह रहेगी। 115 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बीटीएसटी के टारगेट रहेंगे 125-130। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है कैनरा बैंक में। दूसरा जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में 405 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, ट्रेंड रिवर्सल बेस्ड ऑन 15 मिनट और हाफ एन आवर चार्ट के ऊपर, तो 409.10 चल रहा है अभी चंबल फ्यूचर जून, तो 409.10 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। बीटीएसटी के लिए पहला टारगेट 420, दूसरा टारगेट 425। तो नहीं पता करना है उन सब में कैसे क्या है, बट मेरे को स्ट्रेंथ पता करनी है कि उनमें बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। एक बार जरा लेके आइए आइडिया का, विजय सर, वोडाफोन आइडिया। स्ट्रेंथ जिनके पास है उन्हीं का पूछ रहा हूँ सवाल, जिन्होंने लेना उनका तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ये बने रहे इसमें 18 रुपए 20 रुपए तक का टारगेट रखें? जैसे चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम, समस्या सबसे बड़ी वोडाफोन में ये है कि जो जितना डेट है और जितना रेवेन्यू है उसमें मेजर मिसमैच है, और जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा ये कर्जे में दे देते हैं, तो कंपनी चलेगी कैसे, वेतन कैसे दिए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, नए सब्सक्राइबर कैसे पकड़े जाएंगे, और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस भी दे आर लूजिंग टू एयरटेल एंड जियो। तो सम हाउ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, हाँ यहाँ से 1-2 रुपए की तेजी हो सकती है और वो वही काफी होगी। इससे अच्छा मैं कहूंगा रिलायंस क्यों नहीं लिया जाए, और रिलायंस जिन लेवल्स पे है यहाँ से भी आपको 200-250 रुपए 300 रुपए दे सकता है, और सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पास जियो भी है जो कभी ना कभी डीमर्ज होगा। तो ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क की कैपेसिटी है, तो आप समझ लीजिए। जैसे उस दिन जब गिरावट आई थी तो ये 12 रुपए तक गया था, ये भी आप याद रखिए कि जिनके पास बड़ी क्वांटिटीज, क्योंकि लोग 1-1 लाख 2-2 लाख शेयर ले लेते हैं आइडिया के, छोटा शेयर है तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो अच्छे लॉसेस पे बैठे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ले सकते हैं, टेक्निकल चार्ट पे अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली मैं बिल्कुल भी इस कंपनी के साथ नहीं हूँ, बहुत अगेंस्ट हूँ। जहां पर भी कर्जा ज्यादा होता है मुझे बहुत डर लगता है, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। तो मैं ये कहूंगा बेहतर है कि आप रिलायंस जैसी कंपनी में जाएं राधन आइडिया में, बट हाँ टेक्निकली चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो यहाँ से 1-2 रुपए की तेजी दिख सकती है।